एक ऐतिहासिक म्यूजियम है सालारजंग म्यूजियम। देश में भारत सरकार के द्वारा चलाने वाले ये पुराना म्यूजियम है। इसमें अलग अलग एंटिक्विटीज दुनिया के अलग अलग देशों से लाए हुए इधर प्रदर्शन के लिए लगाए थे। आज जो एग्जिस्टिंग म्यूजियम के लिए नया 5 ब्लॉक्स का आज लोगों को डेडिकेट करने का कार्यक्रम हो रहा है। इस नया ब्लॉक्स में भी एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर स्टेट ऑफ आर्ट के तरह नया म्यूजियम का जो 5 ब्लॉक्स का आज डेडिकेट कर रहे, ये आने वाला दिन में इस सालारजंग म्यूजियम को स्टेट ऑफ आर्ट के जैसा पूरा और मॉडर्न करना, लोगों को आईटी सेक्टर के द्वारा अवगत करवाना और आने वाले दिन में प्लानिंग्स है। सालारजंग म्यूजियम ही नहीं है, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी लेने के बाद देश में लगातार नए म्यूजियम्स को हम तैयार कर रहे। जो आज़ाद का अमृत महोत्सव का जो 75 ईयर्स का भारत का आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में अलग अलग जगह ट्राइबल म्यूजियम्स हो, आमनेशन म्यूजियम हो, अलग अलग ट्राइबल लीडर्स का म्यूजियम, अलग अलग म्यूजियम्स हम भारत सरकार के द्वारा हम डेडिकेट किया है और ओपन किया है। आने वाले दिन में विदेशों से भी एंटिक्विटीज ला रहे, वो सब हमारा आर्कियोलॉजी सर्वे इंडिया का पास है। उस एंटिक्विटीज भी लगाने के लिए नए नए म्यूजियम्स खोल रहे, प्राइवेट म्यूजियम्स को एंकरेजमेंट कर रहे, स्टेट गवर्नमेंट के म्यूजियम्स को एंकरेज कर रहे और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसका भी म्यूजियम्स को भारत सरकार के द्वारा हम फाइनेंशियल हेल्प कर रहे। आने वाला दिन में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भारत में अलग अलग जगह नया म्यूजियम्स खोलना चाहिए, उसके लिए भारत सरकार हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा हम पूरा प्रयास कर रहे और सफल भी हुआ है। इस 2 साल में आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में नए नए म्यूजियम हम भारत में खोले हैं। सर, सालारजंग ज्वेलरी के लिए हैदराबाद कब लाएंगे सर? 75 ईयर्स से चल रहा है, बात करना है अभी।